हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं 26 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के साथ। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट में। साथ ही मेरी वेबसाइट में मैंने आपको क्विज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वहां से आप डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज कर सकते हैं जीएस के, जहाँ पर आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, सभी पूरी जीएस के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो डेली क्विज भी करते रहें और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें। और उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी प्लस में मैं वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे क्रैश कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीएस के कंप्लीट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो भी आप अनअकैडमी में लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको मेरा नाम सर्च करना है, दैट इज वरुण अवस्थी। वरुण अवस्थी जैसे ही आप सर्च करोगे, आपके सामने मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो 35,000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड फॉलोवर्स है मेरे। वहां पर मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के कई सारे एमसीक्यूज बेसिस और थ्योरेटिकल बेसिस कई सारे क्रैश कोर्सेज बनाए हुए हैं और वहां पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी अवेल कर सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे मेरा अकाउंट है वरुण अवस्थी स्टूडेंट क्लब के नेम से। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अनअकैडमी का मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया हुआ है, आप इससे भी मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, पहले मैं इंडियन अरीना चलाता था, अभी मैं इंडियन अरीना चैनल नहीं चला रहा हूं। ये चैनल मैंने स्पेशली आपके करंट अफेयर कराने के लिए ओपन किया हुआ है। यहां पर डेली मैं आपको बाईलैंग्वेज करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप सभी से अभी अनुरोध है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने का ये फायदा है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा डेली, तुरंत मॉर्निंग में ही आपको पता लग जाए कि करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो गया है और आप लोग करंट अफेयर देख लें। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, मैं अननेसेसरी आप सभी को कोई भी करंट अफेयर नहीं दूंगा, मैं डेली 10 क्वेश्चंस आपको दूंगा। इन्हीं 10 क्वेश्चंस से आपको किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो इंडिया का, सभी में आपको मेरे करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट इज आई एम प्रॉमिसिंग यू 80% से ज्यादा आप स्कोर करोगे ही करोगे अगर आप मेरे करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो। तो चलिए विदाउट डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया? तो ध्यान रखिए, विश्व मलेरिया दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 25 अप्रैल को, मतलब कि कल हम लोगों ने मनाया विश्व मलेरिया दिवस के रूप में 25 अप्रैल को, ओके। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में 3.3 बिलियन लोग इससे सफर कर रहे हैं। किससे? मलेरिया से, ओके। 3.3 बिलियन लोग करीब 106 कंट्रीज से सफर कर रहे हैं मलेरिया की वजह से, और ये मलेरिया की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। तो इस वजह से ये बेसिकली वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम लोग मलेरिया के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ओके। कई जगह कैंपेन्स लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन के कैंपेन लगाए जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज होती है। सो 25 अप्रैल, मतलब कल हम लोगों ने मनाया विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की एक कमेटी ने कहा कि सभी सरकारी भुगतान ऑनलाइन होंगे, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई ने एक अभी स्पेशल कमेटी बनाई थी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि आरबीआई ने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो इस कमेटी का कहना है कि सरकारी सारी भुगतान, मतलब कि बैंक या फिर सरकार किसी भी सिटीजन को अगर पैसा दे रही है तो वो ऑनलाइन ही देगी अब, ओके। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इस कमेटी के अध्यक्ष है नंदन नीलकनी। ये कौन है? ये नंदन नीलकनी है। और ध्यान रखिए, ये जो नंदन नीलकनी है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके? इन्फोसिस के। इन्फोसिस कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये नंदन नीलकनी। तो नंदन नीलकनी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने बोला कि सभी सारे सरकारी भुगतान अब कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मध्य दक्षिणी त्योहार 2019 का शुभारंभ देश के किस शहर में किया? ये आप बता सकते हैं क्या? अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मध्य दक्षिणी त्योहार 2019 का शुभारंभ किया, कहां पर? ये किया गुवाहाटी में। ये बेसिकली 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसका शुरुआत किया गया है। ये एक त्योहार काइंड ऑफ मनाया जाता है, इसका नाम है दक्षिणी त्योहार। इसकी अभी शुरुआत हुई 25 अप्रैल से। तो ये 25 अप्रैल से कब तक चलेगा? ये 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा, ओके। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें पूरे भारत से करीब 100 से भी ज्यादा फोक आर्टिस्ट इसमें पार्ट ले रहे हैं,
जिसमें से डांसर हैं कई सारे जो कि एमपी से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सो एक ये बहुत बड़ा सम्मेलन है जो कि हो रहा है कहाँ पर, गुवाहाटी में हो रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट कितने स्टेट को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी मंत्रालय ने कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है लीबिया में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए। आप सभी को पहले से ही पता है कि लीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है वो वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी वहां पे जो भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए विदेशी मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इन्होंने जो टास्क फोर्स का गठन किया है ये इसमें कितने सदस्य हैं? इन्होंने 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। इसमें 17 मेंबर हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये भारतीय नागरिकों को जो कि लीबिया में फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालेंगे। और हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? ये हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज हमारी विदेशी मंत्रालय की मंत्री हैं। ओके, और बाय द वे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपोली। और करेंसी यहां पर चलती है लीबियन दिनार। ओके, ध्यान रखिएगा, लीबियन दिनार यहां पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड के सभी स्टॉक्स भारत सरकार को बेच दिए? ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। जो लोग LIC AO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB और नाबार्ड, इन दोनों के सभी स्टॉक्स को भारत सरकार को बेच दिया है? ये है RBI। RBI को इसमें कोई खासा फायदा नहीं हो रहा था तो इस वजह से RBI ने क्या किया, भारत सरकार को नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक के सभी स्टॉक्स बेच दिए। NHB के 1450 करोड़ के पूरे स्टेक्स थे और नाबार्ड के करीब 20 करोड़ रुपए के स्टेक्स थे। तो ये सारे भारत सरकार को इन्होंने बेच दिए, ध्यान रखिएगा। और RBI का हेडक्वार्टर क्या है? तो ध्यान रखिए, RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। क्या बता सकते हो शक्तिकांत दास ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने अर्जित पटेल को सक्सीड किया था। ओके, अर्जित पटेल जो कि गुजरात के हैं। और कहने का मतलब यह है कि अब RBI ने सभी स्टॉक्स NHB और नाबार्ड के भारत सरकार को भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि NHB और नाबार्ड के पूरे 100% स्टेक अब किसके पास है? भारत सरकार के पास है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के पायलट टेस्ट, इसको RTS भी बोलते हैं, तो ये जो पायलट टेस्ट को लेकर न्यूज में था ये था अफ्रीकन कंट्री मलावी। क्या नाम है? मलावी। एक्चुअली क्या हुआ कि मलावी में अभी सक्सेसफुली मलेरिया को हटाने के लिए एक पायलट टेस्ट सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया, इसको बोलते हैं RTS। तो ये RTS वैक्सीन बना लिया गया है, इसकी वजह से ये मलावी न्यूज में था। ओके, और मलावी की कैपिटल क्या है? मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। क्या बोलते हैं इसको? लिलोंगवे इसको बोलते हैं। ओके, और चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सेंटियागो। बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे। और घाना की कैपिटल है अक्र। क्या बोलते हैं? अक्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर है मलावी। मलावी में अभी हाल ही में पायलट टेस्ट जो कि मलेरिया से रिलेटेड है, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया, RTS। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अरब सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अरब सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, पाकिस्तानी नेवी ने। ओके, और पाकिस्तान के इस टाइम पे PM कौन है? यह है इमरान खान। और इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। क्या नाम है? तहरीक ए इंसाफ, इनकी पार्टी का नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया? पहले अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था करंट अफेयर में कि US ने ईरान को टेररिज्म नेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब हुआ क्या कि अब ईरान ने US को टेररिज्म नेशन डिक्लेयर कर दिया है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका को ईरान ने आतंकवादी राष्ट्र हाल ही में घोषित कर दिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड बाय द वे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान की कैपिटल है तेहरान। और यहां पर करेंसी कौन सी चलती है? यहां पर करेंसी चलती है ईरानियन रियाल। क्या बोलते हैं इसको? रियाल बोलते हैं।
पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, चाइना की कैपिटल बीजिंग, यूएस की वॉशिंगटन डीसी और इराक की बगदाद, ये सारी कैपिटल जरूर ध्यान रखें। और ईरान के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हसन रूहानी। क्या नाम है इनका? हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस बैंक की ऑथराइज्ड कैपिटल को ₹8,000 करोड़ तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ये कौन सा बैंक है? भारत सरकार ने इलाहाबाद बैंक की जो ऑथराइज कैपिटल है उसको 8,000 करोड़ रुपए तक का बढ़ाने का फैसला लिया है। और इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। बैंकों के हेडक्वार्टर आपको जरूर ध्यान रखने होंगे और बैंक की हो सके तो टैगलाइन भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ देता है, एसएससी में तो नहीं पूछता है, लेकिन जो लोग बैंक की है या एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे जरूर पूछ देगा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपसे वहां पर पूछ देता है इस तरीके के क्वेश्चन। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। ओके, और एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? ये है मुंबई। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलोर। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर क्या है? वडोदरा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की ऑथराइज कैपिटल को 8,000 करोड़ तक बढ़ाने का फैसला लिया है भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी दिव्या ककरण और मनु कुमारी ने एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में कौन सा मेडल जीता है? सबसे पहले तो आप ये जान लो एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 ये हो कहां रही है? ये अभी कुछ ही टाइम पहले शुरुआत हुई है इसकी चाइना में। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं दिव्या ककरण और मनु कुमारी, इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, मतलब कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और ये हैं दिव्या ककरण, ये आप देख सकते हो फोटो में, इन्होंने अभी हाल ही में कांस्य जीता है। और ध्यान रखिए ये जो एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 है इसमें भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता है? ये जीता है बजरंग पुनिया ने, हरियाणा के स्टार प्लेयर बजरंग पुनिया, इन्होंने गोल्ड जीता है। तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और जो लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में आना चाहते हैं या फिर आपको अगर अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करना है तो वहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है varun.awasthi90s-8150। इसका अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध है मेरा, और मैं ये चाहता हूं कि इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल है मेरा, लाल क्रांति इसमें आनी चाहिए। इस लाल क्रांति में मेरा साथ दें। लाल क्रांति का मतलब वीडियो के नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करें जल्द से जल्द, और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।